हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल। अब ये क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन आपका जो चैप्टर है उसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन करना। देखो एक बार देख लो इंट्रोडक्शन में आपको क्या देख रहा है। इंट्रोडक्शन में आपको रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन, एयर कंडीशनिंग का डेफिनेशन, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन और टर्न ऑफ जो आपका टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है इसकी डेफिनेशन आप क्लियर कर लो, एक बार पढ़ लो एक बार, ठीक है। फिर आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको फिर डायरेक्ट आ जाना है आपको यहाँ पे मेथड ऑफ आइस मैन्युफैक्चरिंग। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जीटीयू के अंदर कुछ सवाल नहीं पूछते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया हुआ है मेथड ऑफ आइस मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आइस, तो हमें वो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाकी आप उसमें रीडिंग कर लेना, जो मैंने आपको डेफिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो भी किताब में दिया वो आप उतना कर लो, उतना एक बार आप देख लो, 2 मिनट में नजर डालो। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, आपको एक ही क्वेश्चन करना है। अगर वो 7 मार्क्स में पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 में पूछेगा तो भी एक क्वेश्चन आएगा, वो होगा मेथड ऑफ आइस मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ आइस प्रोड्यूसिंग आइस। तो आप देखते हैं कि अब आइस किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले आपको एक टैंक लेनी है लाइक दिस। तो ये जो आप देख रहे हो इसको मैं टैंक बोलूंगा और यहाँ पे इस तरीके से ये मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, सो इसको इंसुलेटेड बना रहा हूँ। सो बाहर की हीट अंदर नहीं आनी चाहिए और अंदर की हीट बाहर नहीं आनी चाहिए। अब ये जो होगा यहाँ पे हमें चिल्ड ब्राइन रखा होगा, चिल्ड ब्राइन, सो इसको मैं बोलूंगा चिल्ड ब्राइन। यहाँ पे यू हैव पुट चिल्ड ब्राइन। अब ब्राइन क्या है, ब्राइन है रेफ्रिजरेंट है। ब्राइन यूज होता है आइस बनाने के लिए कि अगर आपके पास वाटर है तो क्या करेगा ब्राइन, उसकी हीट एब्सॉर्ब कर लेगा और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर लेगा। सो यहाँ पे ब्राइन है वो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, तो इसको बोला जाता है। और ये जो टैंक है उसको बोला जाता है ब्राइन टैंक क्योंकि उसके अंदर ब्राइन भरा हुआ है। सो दिस इज ब्राइन टैंक और यहाँ पे जो हमने फिल किया है वो चिल्ड ब्राइन है, उसको इंसुलेटेड किया गया है। अब यहाँ पे क्या हम क्या रखते हैं, आइस कैंस रखते हैं इस तरीके से लाइक दिस। ये जो होगा वो उसको बोला जाएगा आइस कैंस। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर भरा हुआ होता है इस आइस कैन के अंदर। फिर क्या होगा कि यहाँ पे वाटर भरा होगा तो ये ब्राइन रेफ्रिजरेंट होगा, उसके अंदर इसको इमर्स किया गया होता तो क्या करेगा कि ब्राइन जो होगा चिल्ड ब्राइन वो वाटर का हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। अब वाटर का हीट एब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पे आइस कैन के अंदर वाटर भरा हुआ है तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ आइस, तो यहाँ से आइस मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्योंकि ब्राइन ने हीट एब्सॉर्ब किया तो अभी दूसरी बार अगर सेकंड बार कूलिंग करना है तो सेम ब्राइन नहीं होगा, तो उसको ब्राइन का कूलिंग करवाना हमें जरूरी है। तो हम क्या करवाते हैं कि अब हमें और भी आइस बनाना है, तो ब्राइन तो हीट एब्सॉर्ब करता जाएगा तो वो गर्म होगा ना, तो उसको भी ठंडा रखना है ताकि और भी आइस बन सके। तो हम और एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर पे कहां पे जाता है, आप कंडेंसर पे जाते हो। कंडेंसर के बाद क्या आ जाता है आपका रिसीवर, रिसीवर के बाद क्या आता है एक्सपेंशन वार। और ये जो रेफ्रिजरेंट है वो ब्राइन के टैंक के अंदर पसार होगा और वहां से कूलिंग करके फिर वो आ जाएगा कंप्रेसर के अंदर फिर से। सो यहाँ पे जो ब्राइन का कूलिंग करेगा उसके लिए हमने लिखा होगा यहाँ पे एमोनिया। सो एमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो सबसे पहले ये हमने अलग से वेपर कंप्रेशन सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है VCS, तो जिसके अंदर एमोनिया रेफ्रिजरेंट घूम रहा है। तो क्या करेगा कि ये जो एमोनिया रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से आएगा और हीट यहाँ पे लिक्विड एमोनिया आएगा और यहाँ पे ब्राइन की हीट एब्सॉर्ब करके वो चला जाएगा और यहाँ पे अलग से वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो चलता रहेगा। सो ये जो ब्राइन है वो वाटर का हीट एब्सॉर्ब करता है इसलिए वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ब्राइन ने हीट एब्सॉर्ब करा तो ब्राइन गर्म हुआ तो उसका भी कूलिंग करवाना है, तो ब्राइन का कूलिंग करवाने के लिए हम एमोनिया रेफ्रिजरेंट का वेपर कंप्रेशन सिस्टम का हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो ब्राइन होगा वो आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होगा क्योंकि ब्राइन डायरेक्ट कूल नहीं कर सकता है, ब्राइन को भी पहले कूल होना पड़ता है किसी और की वजह से। तो एमोनिया है वो पहले ब्राइन का कूलिंग करता है और फिर ब्राइन ठंडा हो जाता है इसलिए ब्राइन वाटर का हीट एब्सॉर्ब करता है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो ब्राइन को जो सबसे पहले कूल करता है वो होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जो यहाँ पे एमोनिया को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। और एमोनिया है वो और ब्राइन है वो डायरेक्ट कूलिंग नहीं कर सकता, उसको पहले किसी और से कूल होना पड़ता है इसलिए ब्राइन को सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आइस है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो दिस इज इट। लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।